मनपा की ओर से जोर शोर से घोषणा कर करोड़ों रुपए निधि खर्च कर खाऊ गली प्रकल्प तो तैयार किया गया, लेकिन उद्घाटन के दूसरे ही दिन से ही बंद होने के कारण अब यह सफेद हाथी साबित हो रहा है। सोमवार को युवक कांग्रेस की ओर से अनोखा आंदोलन कर खाऊ गली का श्राद्ध किया गया। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बंटी शेल्के ने इस तरह करोड़ों रुपए की हो रही बर्बादी और लोगों के पैसों की लूट रोकने का अनुरोध मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से खाऊ गली का महत्वाकांक्षी प्रकल्प गांधी सागर तालाब परिसर में तैयार किया गया। इस प्रकल्प को किसी तरह पूरा कर शुरू किया गया, लेकिन उद्घाटन के दूसरे दिन से ही पुनर्बंद हो गया। शेल्के ने कहा कि पूरा प्रकल्प अब असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ा हुआ है, जबकि प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। खाऊ गली के नाम पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन परिवार के साथ यहां जाना संभव नहीं है। प्रकल्प की शुरुआत करते समय यहां पर पुख्ता सुरक्षा प्रदान करने की वकालत की गई थी, किंतु सुरक्षा के नाम पर केवल 2 सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। प्रकल्प के अनुसार कुल 32 स्टॉल्स तैयार होने थे। मनपा की ओर से स्टॉल्स का आवंटन किया गया, जिनमें कुछ वजनदार पार्षदों के परिजनों को भी स्टॉल्स देने की चर्चा रही है। प्रकल्प पर लोगों का करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। मांग यही है कि पिछले एक साल होते आ रहा है, हमने आंदोलन किए थे, तो आंदोलन करने का दृष्टिकोण यही है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि खाऊ गली सम्मान्य हमारे खासदार नितिन जी गडकरी का सपना था, कि इच्छा थी कि एक खाऊ गली यहाँ बनने को ना, और उसमें अपने जो नेता है दयाशंकर जी तिवारी, संदीप जी जोशी, बंडू राउत, प्रवीण जाट के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें हिस्सा लेकर बड़े जोश इससे यहाँ पे ओपनिंग किया था। खाऊ गली का आप देख सकते थे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर आकर रिबन काट कर उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग भी किए थे, और साहब ने यहाँ स्पीच भी दे थे कि नागपुर वासियों को इससे बहुत अच्छा लाभ होगा, और वो लाभ कुछ दिन के बाद खत्म हो गया। खत्म मतलब वही भ्रष्ट नेता जो बक्कस बसम जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उनके कारण ये बंद पड़ी। जैसा कि पिछले 2 साल से ये खाऊ गली का जो चालू है यहाँ पे, जो इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके जो खाऊ गली शुरू की थी, हमारे खासदार, हमारे सम्माननीय मंत्री जो हमारे मार्गदर्शक भी है, उनके हाथ से जिसका रिबिन, बड़े बड़े जो नेताओं ने यहाँ पर आकर रिबिन काटी थी खाऊ गली की, वो खुद को विकास पुरुष, मतलब नागपुर के अलग अलग उनके नाम है, उनका नाम विकास पुरुष भी है, उनका नाम हम स्वप्न पुरुष, उनका नाम हम हीरो नागपुर के जिनको हम बोलते हैं, लेकिन ये उनका सपना था खाऊ गली, यानी हमारे जो सम्माननीय मंत्री नितिन जी गडकरी का खाऊ गली एक सपना था, लेकिन ये सपना जब वो खुद का सपना ही पूरा नहीं कर सकते तो लोगों के सपने क्या पूरे करेंगे। ये हमारा कहना कि आप देख सकते हो कि 2 साल से खाऊ गली, ठीक है, पहले बार हमने निवेदन से शुरुआत की थी। माजी महापौर थे संदीप जी जोशी, उनको हमने सबसे पहले निवेदन दिया था, उसके बाद हमने दूसरा निवेदन महापौर दयाशंकर जी तिवारी को दिया था, उसके बाद एक आंदोलन भी आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पर हुआ था, तब भी उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया था कि नहीं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण खाऊ गली का काम जो है वो पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आज लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है, बाकी के बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के काम और जो बाकी के सीमेंट रोड के काम जो बाकी के सब हो रहे हैं, तो खाऊ गली के ही काम क्यों? यहाँ पर जो कम से कम 50-60 जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों ने टेंडर भर के, पैसे भर के, लाखों रुपए दे के गरीब लोगों ने यहाँ पर दुकान खरीदे हुए हैं, वो क्या करेंगे? खाऊ गली में 32 स्टॉल्स की व्यवस्था की गई थी। परिसर में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की गई थी। 24 घंटा मनपा की ओर से सुरक्षा रक्षक तैनात करने की जानकारी भी मनपा द्वारा दी गई थी, किंतु अब प्रशासन ने इस प्रकल्प को नजरअंदाज कर लिया है, जिससे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस तरह से प्रकल्प की बर्बादी करने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। कार्रवाई नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। आंदोलन में सागर चौहान, नयन तरवड़कर, स्वप्निल बावनकर, आकाश गुजर, सौरभ शेल्के, हेमंत कातुरे, जसप्रीत सिंह सिंधु, आदित्य यादव, अमन कौर, अमन लूटे, मुबाशिर अहमद, विजय मिश्रा, सार्थक चिजमलकर, रोहित वागतरे, पराग तरारे, आदित्य वैद्य, प्रणीत बिस्ने आदि शामिल थे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।